बोलो। देखो ऐसा है, मेरे को राजनीतिक जीवन में काम करते हुए चुनाव वर्ष हो गए, बहुत चुनाव लड़े हैं, बहुत सभाएं की हैं, बहुत आंदोलन किए हैं, आंदोलन तो टेढ़े मेढ़े किए हैं। आपके यहाँ विनोदी काम तो कवर नहीं आई है? जहाँ तीन लोगों का मर्डर कर दिया था वही है ना? तो ऐसा कोई नेता नहीं हो पाया तो दीनहीन गरीब की रक्षा के लिए डकैतों ने बिलोरी गांव में तीन लोगों को गोली से उड़ा दिया। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बंदूक हाथ में लेकर मैं कुछ लोगों को साथ लेकर डकैतों को गिरफ्तार किया जाए या उनका सफाया किया जाए और जिस परिवार के लोग मर गए उन परिवार को आर्थिक सहायता सरकार दे। धौलपुर से बीआरओ में चलते चलते करौली पर जाके धरना दिया था और इसका परिणाम यह हुआ कि पहली बार डकैतों के शिकार हुए परिवार को सरकार से आर्थिक सहायता दिलाई थी 5-5 लाख। ऐसे काम तो बहुत किए हैं, अभी जितना जितनी भी सांस है जीवन में तीनहीन गरीब जरूरतमंद के लिए जो काम करने का जज्बा है वो काम करते रहेंगे। अभी गुरु जी बता रहे थे अब आप यहाँ कोचिंग कर रहे हो, दूर दूर गांव से आते हो, आप परिश्रम करते हो, ये गुरु जन बंधु जितने भी बैठे हैं यहाँ पर ये अच्छा से अच्छा आपको टीचिंग देते हैं और आप परीक्षा में बैठो आपका हक मारकर वो आदमी जो परिश्रम निकलता है वो पास हो जाए तो बहुत बड़ी बुराई है ना। अभी मैं कोई सरकार की बात या किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता लेकिन पिछले 4 साल में जेईई का पेपर लीक हुआ, एईई का हुआ, लेक्चरर का हुआ, टीचर का हुआ, सब इंस्पेक्टर का हुआ, सिपाही का हुआ, हर पेपर लीक हुआ। तो बच्चा जो बच्चे जो परिश्रम करते हैं उनके साथ ये सबसे बड़ा धोखा है और इसलिए मैंने बीड़ा उठाया कि जो भी पेपर लीक करते हैं, जो भी इसके सरगना है, जो भी माफिया है, उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और सरकार के कुछ लोग भी उसमें मिले हुए थे जिसमें एमएलए हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी थे जिसको बर्खास्त कर दिया गया। तो जिनैन हक किसी का नहीं माना जाए परिश्रमी का, इसलिए लड़ाई लड़ी और परिणाम यह हुआ कि अब 67 लोग तो जेल में हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बर्खास्त है, नौकरी से बाहर है। बुराइयों से लड़ना ये हमारे स्वभाव है और आपको भी ये स्वभाव बना लेना चाहिए। मेरे को जैसे मैं बता रहा था कि राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा हो गया लेकिन आज यहां आने के बाद मेरे को पता लगा है कि सत्यपाल जी और उनकी टीम ने जो आमूल चेंज इस परिवर्तन इस इलाके में किया है ऐसा परिवर्तन मैंने कहीं होते हुए किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं और प्रसन्न इसलिए हूं कि मैं जब इस इलाके में 91 में इलेक्शन लड़ने के लिए आया था
तक तो आपका अधिकतर का क्या किसी का भी जन्म नहीं हुआ होगा, तब यह शिक्षा नहीं थी। मैं जब गांव में घूमा, बड़ा पिछड़ापन, बड़ा गरीबी, बच्चों को पढ़ाने की कोई स्वभाव नहीं, आदत नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं, बड़ी गरीबी, डकैतों का आतंक, पैसे वालों का तमन, शोषण, ऐसा शोषित क्षेत्र मैंने कहीं नहीं देखा जैसा बारी बसेरी सर्वत्रा का था। लेकिन आज यहाँ आने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत मैंने यहाँ परिवर्तन करने के शुरू शुरू में कुछ काम किया हो, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जो गुरुजन बंधु बैठे हैं ये और ये बैठे हैं जो डॉक्टर सत्यपाल है, अगर ये टीम नहीं होती तो यहाँ ऐसा परिवर्तन मैं नहीं देखता जैसे इस कमरे में देख रहा हूँ। मेरी आंखों से मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। और मैंने अभी उनके गुरु जी से पूछा, मान के केवल मीणे ही मीणे क्या, उन्होंने कहा सब ही जान, ये और भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि तो हर समाज में गरीबी है। मैंने देखी, मेरी आंखों से देखी, या दमन देखा, शोषण देखा, अत्याचार देखा, अनाचार देखा, और उससे मुक्ति दिलाने का काम जो ये अपना सोच बदलो गांव बदलो जो संस्था है वो कर रही है, उसके लिए जिस प्रकार का भी सहयोग मेरा होगा मैं कंधे से कंधा मिलाकर इस संस्था के साथ हूँ और रहूँगा। अभी मुझसे इन्होंने बताया था गुरु जी ने लगभग 90 लाख रुपए इसमें खर्च करके ये भवन बना दिया। मैंने कहा इसको मेरा नाम किरोड़ी ला ले तो उसको 1 करोड़ तो करो, तो मैंने 10 लाख और दिया। देखिए ना, मैंने अभी जब पूछा था गुरु जी का नाम मैं नहीं पूछ पाया था हेमराज जी से कि भैया पुस्तकें हैं कि नहीं, तो उनका पूरी पुस्तक नहीं, पूरी पुस्तक लाइब्रेरी में लाने के लिए जितना भी पैसा लगे एस्टीमेट लेके मेरे पास आ जाना, मैं पुस्तक की व्यवस्था करूँ। तो सरकारी पैसे नहीं, किसी से करा देंगे। तो मेरी बात सुनो बच्चों, आप सपने देखो और सपनों को साकार करो। आप जिन घर से आए हो आपकी घर की हालत में जानता हूं, माँ बाप बड़ी तमन्ना लेके आपको पढ़ा रहे, बड़ी प्रबल इच्छा के साथ, बड़े संकल्प के साथ, और आपने भी सपना देख रखा वो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई और अधिकारी बनेगा, कोई डिफेंस में जाएगा, कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई हो सकता है नेता बनने वाले भी हो, लेकिन जहां जाओ वहां अब जो गिरावट आ रही है राष्ट्र में समाज में, नैतिक पतन हो रहा है समाज का, अपने उच्च चरित्र उच्च सिद्धांत वाला व्यक्ति बनना है। एक बार आप तो सब 10वीं 11वीं के बच्चे हो, एक प्रसंग छोटा सा सुना देता हूं। ये जो बाहर धूप निकल रही है, एक बहुत बड़ा वामपंथी विचार है, वो सूरज की तेज किरण में लालटेन लेकर सड़क पर कुछ देख रहा था। राहगीर इकट्ठे हुए और राहगीरों ने पूछा आप क्या देख रहे हो, कार्ल मार्क्स नाम था उनका, आपकी किताबों में आएगा आगे पढ़ोगे तो, कार्ल मार्क्स। तो लोग इकट्ठे हो गए और उनसे पूछने लगे क्या देख रहे हो, तो उनका मैं आदमी देख रहा हूं। उनका इतने आदमी तो आ रहे जा रहे घूम रहे, हम ढेर सारे आपके अगल बगल में खड़े, कहना मैं ये आदमी नहीं देख रहा, आई एम सर्चिंग ए मैन ऑफ हाई कैरेक्टर एंड हाई मॉरल वैल्यू।
उच्च आदर्श, उच्च सिद्धांत, उच्च करेक्टर का आदमी ढूंढ रहा हूं जो तुम में से कोई नहीं है। सूर्य में इतने लोग घूमे सूर्य में, लेकिन तुम भी कोई भी उच्च आदर्श सिद्धांत तो चरित्र वाला उच्च नैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं। तो हमको उच्च सिद्धांत हाई मॉरल वैल्यू वाला बनना है। अपने देखते हैं राजनीतिक जीवन में, अभी 10 दिन में हमारे MLA निकल के आए बालाबंदी से। अगर उनका चरित्र सिद्धांत आदर्श मॉरल अच्छा होता तो उनको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कोई बात मेरी बाहर जाएगी तो विधायक जनप्रतिनिधि बुरा मानेंगे, लेकिन बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि कहीं बिक नहीं जाए। अब जिसको आपने MLA बनाया है, आपने भोट दिया है, आपने पाई नहीं ली, आपने इस विश्वास के साथ दिया है ये MLA बनेगा तो मेरे इलाके में सड़क लगाएगा, अच्छी स्कूल खोलेगा, अच्छे अस्पताल बनाएगा, बिजली लाएगा, पीने के पानी की समस्या को खत्म करेगा, नौकरी लगवाएगा। अब जिस ऐसे व्यक्ति को अपने चुन के भेजा चाहे नहीं हो और वो ऊपर जाके बिक जाओ, इसका मतलब आप सबको भेज दिया। तो मेरा आपको इस मौके पर सभी से भगवान महिकाल की क्या कृपा होगी, कौन आप में से क्या बनेगा भविष्य के गर्भ में, पर जो भी कुछ बनो तो बिकना मत जीवन। मेरे जीवन के 3 उद्देश्य होते भाई, मोटे मोटे मैं जो जानता हूं ज्यादा, मैं तो राजनीतिक आदमी हूं, राजनीतिक भाषण करके चला जाता हूं वोट लेने की दृष्टि से। 3 है, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति और यश प्राप्ति। अब अपने बेटा बेटी पैदा हो गए तो अपन कहते हैं भाई बहुत हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, ज्यादा मत करो, आदमी रुक जाता है। फिर है धन प्राप्ति, धन की भी आदमी की सीमाएं होती है भाई, बहुत धन इकट्ठा हो गया, काफी पैसा हो गया। एक होती है यश प्राप्ति, यश प्राप्ति की सीमाएं असीमित होती हैं, उनकी कोई सीमाएं नहीं होती। कोई MLA बन जाता है तो वो मंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, बनना चाहता है, बाद में दिल्ली में मंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है। यश प्राप्ति के जो रेखाएं जो सीमाएं वो बहुत ज्यादा होती है, असीमित होती है। तो यश की प्राप्ति के लिए आपको काम करना है, और यश की प्राप्ति के लिए काम करना है तो आप सपना देखोगे। क्या सपना देखोगे? जैसे बच्ची है ये सोचती है मेरे को IAS बनना है, ये सोचती है मेरे को डॉक्टर बनना है, ये सोचती है मेरे को इंजीनियर बनना है। तो सपना केवल देखने से पूरा नहीं होगा, सपनों के पीछे भागना होगा और रातें काली करनी पड़ेगी जब आपका सपना पूरा होगा। सो जाने से सपना पूरा नहीं होगा। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रात के 1:30 बजे कुछ काम कर रहे थे, तो बड़ा सवर्ण जाति का व्यक्ति बड़ा नेता उनके पास गया तो उनसे पूछा कि अंबेडकर तू रात के 1:30 बजे भी जग रहे हो काम कर रहे हो? तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारा समाज जगा हुआ है इसलिए तुम सो रहे हो, और मेरा समाज सो रहा है इसलिए मेरे को रात भी काली करनी पड़ेगी। तो ये जो इस इलाके का सोया हुआ समाज का जगाने का काम जो इन्होंने किया है हमारे सत्यपाल जी ने उनके साथियों ने, मैं गदगद हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। हमारे बहुत अधिकारी कर्मचारी हमारे संपर्क में आए, लेकिन ऐसा काम किसी ने करके नहीं दिया। मैं जितना चाहोगे आपके इस काम को आगे बढ़ाने में उतना मैं पूरा सहयोग आपके लिए तन मन धन से समय दे दूंगा। वहां दौसा में एक जगह है जिसको मीणा हाईकोर्ट कहते हैं, वहां विकसित करवाने गए थे तो मैंने कहा उसको देख के जाना, आइडिया देना। तो मैं आप लोगों का सत्यपाल जी मिलेंगे तो उनसे भी कहूंगा
कि एक बड़ी ब्रांच वहां भी खोलो, 18-20 करोड़ रुपए का हमने कैंपस बनाया। तो इसी ढंग के बच्चों की कोचिंग वहां लगे, नैतिक संस्कार भी मिले। देखो, कोचिंग करके तुम कलेक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन कलेक्टर बनने वाला मैं एक आईएएस की शादी में गया था, तो मैंने उनके घर वालों से पूछा, भाई क्या है मामला, कि 9 करोड़ लिए। अब कलेक्टर लेने के बाद भी जब 9 करोड़ आप शादी में लोगे, तो आपका कोई नैतिक आचरण तो हुआ नहीं। नैतिकता तो जब है जब 101 रुपए में शादी करें। ऐसी घड़ी बच्चियां मिलती हैं जो पैसे मांगने वाले को दुत्कार देती है, ऐसे शादी नहीं करेगी। मेरा कहने का मतलब यह है, नैतिक आचरण इतना होना जरूरी है कि जिसकी बहुत आवश्यकता, आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हो, देख रहे हो, टीवी पर जितने गंदे समाचार आ रहे, अखबारों में आ रहे, बहन बेटी के, भाई के, बाप के, पिता के, सब रिश्ते तार तार हो गए, बड़ी पीड़ा होती है। अभी आज आया था मेरे गांव के पास में, एक लड़के ने एक लड़की को गोली मार दी, खुद को भी गोली करके मर गया। ये जो हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, पश्चिमीकरण हुआ है, मोबाइल आया है, और जब से ये सभ्यता और संस्कृति पे हमारी पे हमला हुआ है, तब ये हमारा वातावरण दूषित हुआ, वरना इससे पहले कुछ नहीं था। और हमारे लोग कहने लगे हम हिंदू नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आमागढ़ की घटना आपके सामने आई थी, वहां केसरिया झंडा फाड़ दिया था, मूर्तियां तोड़ दी थी, और मैं इस 70 साल की उम्र में चढ़ गया, सरकार की खूब व्यवस्था ली, लेकिन मैं झंडा फहराया किसके बलबूते पर? मेरे को एक संस्कार मिला है, चाहे लाठी चले, चाहे गोली चले, चाहे प्राण नछावर कर दे, लेकिन मेरी बहन बेटी की इज्जत की रखवाली मेरे को करनी है, मेरी जिम्मेदारी। अगर किसी मजदूर पर, किसी किसान पर, और किसी हमारी बहन बेटी की इज्जत पे कोई हाथ डालता, तो फिर हमारा नेता बन जाना या अफसर बन जाना, ये फिजूल की बातें हैं। इसलिए आप अपने जीवन में कहीं कुछ भी बन के जाए, व्यापारी बने, अधिकारी बने, नेता बने, कॉरपोरेटर बने, कुछ भी बने, आप अपने इस बात का ध्यान रखना, खुददारी का, स्वाभिमान का, ईमानदारी का, नैतिक आचरण ऐसा उच्च होना चाहिए जैसे मैंने बता दी कार्ल मार्क्स का, कि वो आदमी ढूंढ रहा था, जब मैं ढूंढू तो पता लगे कि डॉक्टर सत्यपाल के द्वारा चलाए गए कोचिंग में एक नहीं सैकड़ों चरित्रवान उच्च नैतिकता वाले बच्चे हैं, जो कभी जाके उनकी आप परीक्षा ले सकते। आज देश में, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और छोटे से बाड़े से चालू हुआ, और वो पूरी दुनिया में, और आप तो पूरे देश में उनके कार्यकर्ता सत्ता में ईमानदारी से राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं इस संस्थान को, इनके कार्यकर्ताओं को, गुरुजन बंधुओं को, कि आप दिन दूने रात चौगुने बढ़े, आपके बढ़ाने में, आगे जाने में कोई अटकल आए, कोई दिक्कत आए, तो मेरे को बताया, मैं अपने आप को समझूंगा, मैं बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर रहा हूं इस संस्थान को सेव करके, मेरा तो जन्म सुधरेगा, मेरा तो जीवन सुधरेगा, मैं एक अच्छे ऐसे अच्छे संस्थान में मैं सहभागी बन रहा हूं, आपको सहयोग कर रहा हूं, कि कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो जो 10 लाख दूंगा मैं मेरे MP कोटे से दूंगा। अब मैं तो यहां जब चुनाव लड़ने आया था तो मैंने भी नारा दिया था, जिसका हटाड़ा उसकी कान, उसके कान में चुनाव आ गए, डॉक्टर राम सिंह जी जानते हैं, वो नारा नहीं देता तो मैं जीत जाता। उसका कारण था, जो बड़े बड़े सेठ खान चलाते थे उन्होंने सोचा जो खान चला रहा मजदूर उसकी खान हो जाएंगे तो हम तुम्हारे जाएंगे, उन्होंने तो इसलिए चुनाव हराया। और जिनके हाथ में हथौड़ा था उन मजदूरों ने सोचा ये कोरा नारा है, ये भी चीकू की तरह हमारी खानों तक कब्जा कर लेगा, तो जो सैंडविच होती है ना
उस तरह से मेरा हाल हुआ चुनाव हार के, कोई बात नहीं, लेकिन इस इलाके का हर आदमी का मेरे प्रति जो असीम प्रेम है, मैं मेरे को ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिला आज तक जो इस इलाके की जनता ने मेरे को दिया। मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता, कैसा भी आपको सेव जो मेरे साहसा करते हो मैं आपको भी दूंगा, आपके संस्थान को दूंगा, लेकिन मैं आप सब बच्चों से आशा करूंगा कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे अफसर अधिकारी बने, सुयोग्य बने, माँ बाप के सपनों को पूरा करें, और इसके साथ साथ समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, आदर्श और सिद्धांतों को हमने जो अधिकार कर लिया उन पर अपन को चलते हुए आगे बढ़ना। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज, तो वास्तव में ये मानो 10-20 साल में ऐसा मैंने कार्यक्रम नहीं देखा, इतनी बड़ी फौज, इतने अच्छे बच्चे गांव से, बहुत गरीब घरों से निकल के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ से निश्चित रूप से आप, मेरी शुभकामना आप सभी बच्चों को, आप होनहार बने, बड़े बने, जो सपना आपने देखा है मयंकाल महाराज आपके सपनों का पूरा करें, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं इन बच्चों की तरफ से, चूंकि ये बच्चे अभी हमारे